पर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, जहां पर अपने प्लाट को देखने गए सपा नेता को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताते चले कि बेखौफ दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आए दिन किसी न किसी को दबंगई के चलते मारना पीटना आम बात समझते हैं। इस कारण समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव संजय दुबे अपने साथी धर्मवीर पाल व प्रशांत के साथ भूल भुलैया पर अपने प्लॉट पर बिजली का पोल गड़वाने पहुंचे। वहीं भूल भुलैया पर निवासी मुन्नू, राजीव, अतर, संदीप और विनय ने सपा नेता को घेरते हुए लाठी डंडों से बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। विराट 24 न्यूज के लिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। रिवॉल्वर देख लो तुमने, रिवॉल्वर तमंचा देख लो, जो बाहरी गुंडागर्दी कर रहे हो देख लो, बाहरी गुंडागर्दी रिवॉल्वर देख लो, पूरी वाहिदा संजय भाई क्या हुआ है आपके साथ में, क्या हुआ, किसने मारपीट की है? हमारा बुलुलियापुर के पास जीटी रोड पे प्लाट है, वो प्लाट हमारा बन रहा था, हम अपने प्लाट पे गए थे, प्लाट से उतर के जो बिजली का उधर पोल है तो उसे देखने हम गए, तो उसमें देखने में जो है धर्म भी मेरे साथ थे और एक लड़का प्रशांत वो था मेरे साथ, तीनों लोग हम लोग ये कह रहे थे खंभा गढ़ने के लिए, तो इतने में जो है मुन्नू ने अपने लड़के बुलाया कि जो राजीव भैया यहाँ, भैया यहाँ, राजीव, मुन्नू, अतर, संजीव, संदीप चारों लोग आके बिंद गए हमसे, बिंदने में हम गिर गए, गिर में मेरे पास रिवाल्वर लगी थी मेरे पास, वो छीन ली रिवाल्वर, फिर मार डंडों से खुद मारा, ये देख चोट की हाँ, ये नाखून सब हमारे इससे जंजीर अंगूठी हमारे पास थी वो मारी चली गई, रुपए थे हमारे पास कम से कम 20-25 हज़ार रुपए थे मेरे पास, वो गायब होकर वो भी छीन लिए, चश्मा हमारा वो भी चला गया, और मेरे पिताजी जब आ गए उस देर तब जा घूमने जो है बचाए।